हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विनी रावत व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सुबह 12 बजे के आसपास का ये टाइम है और मेरे ना मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं। अभी मैं जो है नहाने के बाद जो है थोड़ी देर बालकनी में आई थी। मैंने सोचा कि धूप सेक लेती हूँ थोड़ी देर, और साथ में मैं फ्रूट्स वगैरह भी लेके बैठ गई थी। मैंने सोचा बैठे बैठे जो है फ्रूट्स वगैरह भी कट कर लेती हूँ यहीं पे। और ये ना मैंने बालकनी में जो है बोगनविलिया का ये प्लांट लगा रखा है। मैं लेके आई थी इसे 5-6 महीने पहले, लेकिन ना तब तो इसमें फूल आ रखे थे, लेकिन ना उसके बाद घर में लाने के बाद इसमें फूल वगैरह आए ही नहीं। तो मुझे लगा कि शायद अब नहीं आएंगे, लेकिन अब इसमें ना छोटे छोटे फूल आने लग गए हैं, तो बड़े सुंदर लग रहे हैं देखने में। विंटर आने वाली है ना, तो धूप ही अब अच्छी लगने लग गई है। बिल्कुल गोल्डन गोल्डन कलर की धूप आती है ना, तो बड़ा सुकून मिलता है विंटर में ये धूप देख के। लेकिन मेरी बालकनी में ना ज़्यादा धूप नहीं आ पाती है विंटर में, तो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहती है, 1-2 घंटा ही रहती है। तो बट एटलीस्ट चलो आती तो है, वही एक तसल्ली है। वो नहीं लायक वैसे। कभी काट के भी दे दिया करो। काट के चाहिए काट। ऐसे काटने को बोला। और धूप तो चली गई है बालकनी से। अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो मुझे ना दाल चढ़ानी थी बनाने के लिए। वही मैं सोची थी कि आज क्या दाल बनाऊँ, तो कुछ ना दालों के जो पैकेट्स थे वो मैंने उल्टाए भी नहीं थे डब्बों में, तो वो भी मैंने सोचा कि साथ के साथ पहले दालें उल्टा देती हूँ जो मैंने को डब्बों में उल्टानी है। और आज मैं बनाने की सोच रही हूँ जो काली उड़द की दाल होती है छिलके वाली, वो और साथ में लोबिया। बहुत दिनों से ना ये दाल बनाई नहीं है, आयाना इतना पसंद नहीं करती है ये दाल, इस चक्कर में ना मैं इसे ज़्यादा बना नहीं पाती हूँ। लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को ये दाल बहुत अच्छी लगती है, और आज मैंने सोचा कि चलो मैं बना लेती हूँ, आयाना को थोड़ा सा मना लूँगी कि खा ले करके बेटा, अच्छी होती है ये दाल। साथ के साथ मेरे ना ये चने थे जो बहुत टाइम से ऐसे ही पैकेट में रखे हुए थे, तो वो भी मैंने जो है उल्टा दिए थे आज कंटेनर में। और एक ये लोबिया की दाल थी जो मैं अभी बनाने वाली हूँ, इसको भी फिर पहले मैंने जो है डब्बे में उल्टाया और अपने बनाने के लिए भी निकाली थोड़ी बहुत। कई बार ना जल्दबाजी होती है तो और दाल निकली भी नहीं होती है ना, तो पैकेट ऐसे ही खोल के ले लेते हैं और फिर सोचते हैं कि बाद में जो है डब्बों में रख लेंगे, तो इस चक्कर में ना कई बार रह जाती है वो उल्टानी। तो आज मैंने सोचा पहले मैं जो है यही काम कर लूँ, नहीं तो फिर वो रह जाती हैं और फिर कई बार जो है वो हम भूल जाते हैं कि किसी पैकेट में दाल रखी हुई है करके। हम डब्बे ढूंढते हैं तो डब्बों में नहीं होती, तो ऐसा लगता है कि जैसे दाल जो है ख़त्म हो गई है। तो इसीलिए आज मैंने ना जो भी मतलब दाल थी उल्टानी, वो मैंने पहले वही उल्टाई। टमाटर ला के देना मुझे इस बार की विंटर ना थोड़ा सा लेट शुरू हो रही है, वरना लास्ट ईयर तक तो इस टाइम तक हमारे वुलन्स वगैरह निकल जाते थे। लेकिन इस बार जो है अभी तक मैंने वुलन्स वगैरह नहीं निकाले, सिर्फ आयाना के स्कूल की जो ड्रेस है वो निकाली, क्योंकि उसके स्कूल से मैसेज वगैरह आ रहे थे कि विंटर ड्रेस यूनिफॉर्म में आए करके बच्चे, तो इसलिए उसकी निकाली है। बाकी अपने और मेरे हस्बैंड के अभी कुछ नहीं निकाला है, और घर में पहनने वाले कोई हमने वुलन्स अभी नहीं निकाले हैं, तो थोड़ा सा ना लेट चल रही है इस बार विंटर और रहेगी भी ये लेट तक। और ये देखिए दिवाली में ना पूजा के लिए हम खील बताशे वगैरह लाते हैं, तो ये वही मैं लेके आई हुई थी। लेकिन अब दिवाली चली गई है तो मैं खील और जो बताशे और जो खिलौने होते हैं ना उनको तो मैं चीनी के डब्बे में डाल देती हूँ, वो तो चाय वगैरह बनाने या कुछ मीठा वगैरह बनाने में यूज़ हो जाता है, क्योंकि ऐसे तो ये खाए जाते नहीं हैं हमारे घर में, ऐसे तो कोई खाता है नहीं इनको। और ये जो खील हैं और इनको ना ऐसे ही खाना फिर मतलब नहीं समझ आता है, खाए नहीं जाते हैं, और ऐसे वेस्ट भी नहीं कर सकते इनको कि क्या करा जाए। तो मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा जैसे घी डाला कढ़ाई में,
और उसमें इनको डाल देती हूँ और इनको ना भून भून लेती हूँ। जैसे हम मुरमुरे वगैरह नहीं खाते क्रिस्पी से, तो इस तरीके से ना इनको मैं थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक अच्छे से भून लेती हूँ और साथ में इनमें जो है सॉल्ट ऐड कर देती हूँ इनको भूनते हुए। तो जिससे क्या है ना कि ये खाए जाते हैं एज अ नमकीन या स्नैक्स की तरह आप इन्हें खा सकते हैं, और साथ में ना चाहो तो मखाने और मूँगफली वगैरह भी भून लो इससे, तो वो भी अच्छा लगता है नमक वगैरह मिला के ऐसे खाने में। तो लेकिन मैंने अभी मूँगफली या फिर मखाने तो नहीं मिलाए इसमें, मेरे पास अलग से भुने हुए हैं मखाने, तो मैं बाद में अगर ये लोगों को खाना होगा तो मैं मिक्स कर दूँगी। बट इस तरीके से ना ये यूज़ भी हो जाते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे खाए नहीं जाते हैं, तो मैं इस तरीके से उनको भून देती हूँ। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग इनको कैसे यूटिलाइज़ करते हो, और भी कोई बेटर ऑप्शन है आप लोगों के पास तो किस किस तरीके से आप लोग इनको यूज़ करते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों दाल तो मेरी जो है गल गई है और अब मुझे इसको लगाना है तड़का, और इस दाल में ना मुझे घी का तड़का अच्छा लगता है। नॉर्मली तो मैं और दालें होती ना तो उनमें मैं मस्टर्ड ऑयल का तड़का लगाती हूँ, क्योंकि मैं जो रिफाइंड होता है वो तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ रिफाइंड ऑयल तो। लेकिन इस वाली दाल में ना, ये ब्लैक वाली जो दाल होती है उड़द की, इसमें ना मुझे घी का तड़का अच्छा लगता है। सबसे पहले जीरे के दाने डालती हूँ और फिर प्याज, और उसके बाद ना धनिया पाउडर जो होता है वो डालती हूँ जब प्याज भुन जाता है, तो धनिया पाउडर का ना बड़ा अच्छी खुशबू आती है इसमें। तो दाल में थोड़ा सा ना मैं पानी मिलाऊँगी क्योंकि ये थोड़ी सी गाढ़ी है, और गाढ़ी ज़्यादा गाढ़ी दाल ना मतलब मेरे घर में इतनी पसंद नहीं करते लोग, थोड़ी सी उसकी जो मतलब पतली पतली ही अच्छी लगती है सबको, तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर लिया है। उल्लू आ गया। हेलो, क्या चला आपका दिन, क्या चला, गुड, एंजॉय किया, एंजॉय किया स्कूल में। आयाना तो स्कूल से आ गई है और मेरा लंच भी ऑलमोस्ट रेडी है, उसके कपड़े बदलने तक मेरे राइस भी बनकर रेडी हो जाएंगे। हाँ, कल मेरा ऑर्डर आएगा। तुम अभी से खाने लग गए, सबर नहीं हो रहा ना। आज सैलेड में मैं काटने वाली हूँ मूली और प्याज। ये ना अभी तक हमने जो है मूली सैलेड में नहीं यूज़ करी है क्योंकि अभी तक अच्छी नहीं आ रही थी, थोड़ा ना मिर्चीली आ रही थी मूली, लेकिन ना अच्छी लगती है हमें सैलेड में। तो मैंने कहा आज मैं ना एक मूली काट के देखती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा है उसका टेस्ट, तो इसलिए मैंने एक मूली जो है सैलेड के लिए कट कर ली और प्याज भी कट कर लिया साथ में। हेलो दोस्तों, आज तुलसी विवाह है और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और अभी मेरे को जाना है तुलसी विवाह में क्योंकि मेरे को इनवाइट किया गया है किसी ने, तो मैं रेडी हो गई हूँ तुलसी विवाह में जाने के लिए, तो मिलती हूँ आपसे वहाँ पे। तो दोस्तों लंच वगैरह करने के बाद जो है मुझे ये आना था तुलसी विवाह में क्योंकि मेरे को किसी ने जो है इनवाइट किया था, कोई तुलसी विवाह करवा रहा था, आज तुलसी विवाह का दिन है। आप सभी को भी तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं वहाँ आ गई थी और ये देखिए यहाँ पे कितनी रौनक लगी हुई है, पूरा जो हमारा क्लब हाउस है वो बहुत सारी लेडीज़ वगैरह यहाँ पर इकट्ठी हो रखी हैं, और दोनों समधने मंडप के पास बैठी हुई है जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे। बारात तो जो है पहले ही आ चुकी है लेकिन उस टाइम ना मैं आ नहीं पाई क्योंकि मैं घर पे थोड़ा सा बिजी थी, तो मैं अभी आई हूँ तो बारात ऑलरेडी आ चुकी है। और अब जो है ये दुल्हन जो है हमारी तुलसी मैया वो मंडप में आ रही हैं, तो वही जो लेडीज़ हैं उनको लेके आ रही हैं मंडप पे।
और अब जो है कन्यादान की जो रस्म होती है वो पूरी हो रही है। जो वर पक्ष वाले हैं वो कन्यादान कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो है जयमाला होने वाली है। अब और अब बस लास्ट में ये फेरे पड़ रहे हैं। और बस अब विवाह जो है संपन्न हो गया है, विदाई हो गई थी। और उसके बाद जो है प्रसाद वगैरह वो सब ग्रहण करना रह गया था, तो हम जो है प्रसाद वगैरह लेके फिर घर को आ गए थे। दोस्तों आज की ये वीडियो अब मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।